ऐसे अदब से हरा जाता ये तो लग रहा है अदब से हारते हैं। लखनऊ की टीम आज से पहले केकेआर से कभी नहीं हारी थी, लेकिन जब से गंभीर ने लखनऊ से रिश्ता तोड़ा है और वापस केकेआर से जोड़ा है तब से पहले मैच में ही केकेआर लखनऊ से जीत गई। लखनऊ वालों, आज कबाब में नमक थोड़ा ज़्यादा लगे तो समझ लेना ये फिल साल्ट वाला नमक है। उन्होंने स्वादानुसार नहीं इच्छानुसार साल्ट डाला है। इस साल लगातार मैचों में शाहरुख खान आ रहे हैं और वो अपने साथ बिटिया सुहाना और अनन्या पांडे को भी दिखाने लाए थे कि बेटा तुम्हारा स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल देखना है तो लखनऊ के गेंदबाजों को देख लो। और लखनऊ वालों, ड्रेस बदल लेने से जीत नहीं मिलती, जीत के लिए खेलना भी पड़ता है। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करना शुरू किया। लखनऊ की बल्लेबाजी देखकर लग ही नहीं रहा था कि लखनऊ वाले तेज खेलने की कोशिश भी कर रहे हों। कप्तान केएल राहुल ने उन 27 गेंदों में 39 रन जरूर बनाए जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे। अगर उन छक्कों को निकाल दिया जाए तो 22 गेंदों में 15 रन ही बनाए थे उन्होंने। इसकी वजह थी गिरते हुए विकेट, और 15 ओवर आते आते उन्होंने सिर्फ 111 रन बनाए थे। फिर आते हैं निकोलस पुरन, उन्होंने लखनऊ की गाड़ी को अमीनाबाद से निकालकर गोमती नगर वाले ट्रैक पर लाके खड़ा कर दिया। पुरन ने 32 में 45 रन बनाए और लखनऊ के मैजिकल आंकड़े 162 रन के स्कोर तक लाकर पहुंचा दिया। मिशेल स्टार्क ने कहा, कब तक मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहूंगा, कुछ तो काम कर ही लेता हूं। आखिरी ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने पहली बार सीजन में अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट लेकर लखनऊ के स्कोर को 161 रन पर रोक दिया। पहले ही ओवर में 1 विकेट गिरने के बावजूद भी केकेआर ने 22 रन बना लिए थे। कोलकाता का टेम्पलेट ही यही है कि पावर प्ले में इतना मार दो कि जो सामने वाली टीम है वो सांस ही ना ले पाए। जो काम रोज सुनील नारायण करते थे वो आज साल्ट ने किया। साल्ट ने कप्तान अय्यर के साथ मिलकर अनबीटन पार्टनरशिप की जिसमें साल्ट ने 89 तो अय्यर ने 38 में 38 रन बनाए और बड़े आराम से कोलकाता ने 26 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया।